पीएम का ऑफर बिल्कुल खुला है। दो मुख्य पद है, एक है लोकसभा स्पीकर का और दूसरा है प्रधानमंत्री का। चाहे तो चाचा जी प्रधानमंत्री बन जाएं या फिर नीतीश जी या फिर चंद्रबाबू जी को बना दें। हम राहुल गांधी जी ने कल स्पष्ट कह दिया, खड़गे साहब ने भी कह दिया कि यहाँ प्रधानमंत्री बनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। 7 सीटें सिंधे गुट की जीती थी, जिसमें उद्धव ठाकरे जी ने सिंधे गुट के सातों सांसद से बात की है, जिसमें से 5 सांसद हमारे साथ आने को तैयार है। नंबर है उसको पहले पूरा किया जाए और इसके लिए हमारी कवायद तेज हो चुकी है और आज शाम तक तस्वीर जो है भारत की राजनीति की बिल्कुल साफ हो जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण है, कल जिस तरीके से जनादेश मिला तो उस जनादेश का हमने पूरा सम्मान किया और राहुल गांधी जी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि आज इंडिया एलायंस के साथ हमारी मीटिंग है, अभी कुछ देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी और मीटिंग के बाद जो फैसला लिया जाएगा कि हमारा जो सांसदों का जो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, इसके अलावा जो संख्या कम रह रही है तो उसमें किस दल से बात की जाए, कौन सा दल हमारे साथ आने को तैयार है, तो ये सारी सरगर्मियां आज चल रही हैं। सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर आई है, अभी प्लेन में बिहार से पटना से नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ आए हैं, तो एक माहौल ये भी बन रहा है कि हो सकता है नीतीश जी हमारी तरफ आ जाए। क्या फिर नहीं, पलटना नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि चाचा जी तो सबके हैं और वो उन्होंने कल बोल ही दिया था कि हम तो सबके हैं। और दूसरी जो एक पहल चल रही है वो अखिलेश यादव जी चंद्रबाबू नायडू जी के संपर्क में है और ऐसा हमें लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू चूंकि पहले भी यूपीए के साथ रहे थे तो संभावना ये है कि वो भी हमारे साथ आ सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में इस समय दबे रूप से एक राजनीति चल रही है, जिसमें एक सीट अजीत पवार जी की जो पार्टी है वो जीती थी और 7 सीटें सिंधे गुट की जीती थी, जिसमें उद्धव ठाकरे जी ने सिंधे गुट के सातों सांसद से बात की है, जिसमें से 5 सांसद हमारे साथ आने को तैयार है। तो 5 की संख्या वो देखी जाए, 16 की संख्या चंद्रबाबू नायडू, 12 नीतीश जी के, तो ये कुल मिला जुला के जो है एक ऐसी संख्या बन रही है कि जो हमें बहुमत की तरफ लेके जा ये रही है। खिचड़ी वाली सरकार बन जाए, खिचड़ी वाली सरकार कितने दिन तक चलेगी? इसके अलावा और भी कई दल हैं जो छोटे छोटे दल हैं, जिनके एक एक या दो दो सीटें हैं, जैसे पप्पू यादव जी निर्दलीय जीते हैं और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जी जीते हैं, तो ये 2 संख्या ये हमारे वैसे भी एक जीते हैं, उनके भी लेना लेंगे क्या साथ? देखिए ये निर्भर करता है आगे कि कौन हमारे साथ आना चाहता है, लेकिन जो एक मिनिमम नंबर है 272 का, हमारा जो टारगेट है कि 272 या 275 का जो आंकड़ा है, जो गोल्डन नंबर है, उसको पहले पूरा किया जाए और इसके लिए हमारी कवायद तेज हो चुकी है और आज शाम तक तस्वीर जो है भारत की राजनीति की बिल्कुल साफ हो जाएगी। नायडू को देंगे पीएम का ऑफर या नीतीश कुमार को देंगे? देखिए पीएम का ऑफर बिल्कुल खुला है, दो मुख्य पद है, एक है लोकसभा स्पीकर का और दूसरा है प्रधानमंत्री का। चाहे तो चाचा जी प्रधानमंत्री बन जाए या फिर नीतीश जी या फिर चंद्रबाबू जी को बना दें। हम राहुल गांधी जी ने कल स्पष्ट कह दिया, खड़गे साहब ने भी कह दिया कि यहाँ प्रधानमंत्री बनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, मुख्य मामला ये है कि जो ये तानाशाही है इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि एक बार फिर तानाशाह आ गया तो जो इनका एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स चल रही थी वो पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो जाएगी, ये फिर तोड़ फोड़ की राजनीति करने लगेंगे और एनडीए में जितने भी घटक दल हैं अभी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी दबे सुर से जो है बातें चल रही हैं। आज का ही एक मैं आपको अपडेट बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता एनडीए के, हमारे जो है ओम प्रकाश राजवर जी और संजय निषाद जी, इनको एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया, क्योंकि इनको इन्हें जो एक एक सीट दी थी वो सीट ये हार गए। तो बीजेपी का आप ये देखिए कि अगर कोई दल आपके साथ चुनाव जीत रहा है तो आप उसे अपने साथ रखेंगे, चुनाव हार गया तो आप उसे हटा देंगे, वही मतलब हो गया ना कि जब तक मतलब निकला तब तक आप उसने उसका रस निकालते रहे और गन्ने का रस पेरने के बाद उसका गन्ने का रस निकल गया तो जो गन्ने का जो बचा हुआ है उसको आपने फेंक दिया। तो और नड्डा साहब भी इसी तरीके की बात कहते रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को हम खत्म कर देंगे, राष्ट्रीय दल एक ही रहेगा, बीजेपी रहेगी। और अभी चुनाव के दौरान भी नड्डा साहब ने कहा जिस आरएसएस ने बीजेपी को पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि ये प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार मोदी जी को बनाया,
उसी आरएसएस के लिए नड्डा साहब बड़ी भारी रैली में ये कह रहे हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो कल को तो ये चंद्रबाबू नायडू के लिए भी यही बात कह सकते हैं, नीतीश कुमार के लिए भी यही बात कह सकते हैं, क्योंकि विगत समय में ऐसा हुआ। अनाउंसमेंट कर दिया ना प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, तो फिर आप लोग क्या गाड़ सकते हैं? देखो सर, अनाउंसमेंट तो बहुत सारी प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी। अवतारी पुरुष हैं प्रधानमंत्री जी। अनाउंसमेंट तो उन्होंने ये भी कर दी थी कि मैं 400 सीट लेके आऊंगा। अनाउंसमेंट तो बहुत सारी हुई थी। ये भी हुई थी अनाउंसमेंट कि साहब जो है कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को सारी प्रॉपर्टी देश की दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कथनी करनी जो है वो पूरी देश की जनता देख चुकी है। ये तो सारा दिखेगा, बिल्कुल पावर इस समय उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार का दिख रहा है, और इस समय जो लड़ाई है वो गुजरात की लॉबी और महाराष्ट्र की लॉबी के सामने साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कहां दिख रहा है, क्या कर दिया? बिल्कुल, और हमें ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की जो लॉबी है गुजरात की लॉबी को इस बार पटखनी दे देगी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी और भी कई दल हैं, शाम तक आपको बहुत अच्छी सूचना मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा था जो कल हमने देखा, तो वो उनको आभास हो गया है कि उनकी जो राम नाम की जो माया है, वो एक दोहा है आपने भी सुना होगा साहब कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो उन्हें जो लूट करनी थी वो लूट उन्होंने कर ली, अब उनका जो है सत्ता त्यागने का समय आ गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अब भी नैतिकता के आधार पे अगर इस्तीफा दे दें तो उनकी थोड़ी बहुत इज्जत बच सकती है। क्या कह रहे हैं आप, एनडीए को बहुमत है, चंद्रबाबू नायडू शामिल होने के लिए बीजेपी को बहुमत नहीं है। बात हो रही है बीजेपी की, क्योंकि 10 साल ये बीजेपी बीजेपी बोलते रहे और बीजेपी भी नहीं बोला इन्होंने 10 साल। प्रधानमंत्री जी 2 महीने जितनी भी चुनावी रैली हुई हर जगह सीना ठोक के कह रहे थे मोदी की गारंटी। ये तो बीजेपी को भी नहीं बोलो, ये तो बीजेपी को भी नहीं बोलते थे कि बीजेपी की गारंटी है। एनडीए तो आप छोड़ दीजिए सर, साफ मना कर दिया तो एनडीए में रहेंगे, आज बैठक में भी जा रहे हैं। अभी देखिए वो कहावत है ना, तेल देखो तेल की धार देखो, शाम तक स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। वहां गए अभी माहौल समझने के लिए और उन्होंने सिगुफा छेड़ दिया है कि साहब लोकसभा स्पीकर बनना है चंद्रबाबू नायडू को और चारों ने मंत्री पद चाहिए। स्पीकर का पद ये दे नहीं सकते, प्रधानमंत्री का पद ये दे नहीं सकते, गृह मंत्री का पद ये दे नहीं सकते, तो जो घटक दल है वो वहां पे क्या करेंगे, धनिया बेचेंगे। इसको क्या चाहिए? नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को जो है लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए, वो ये मोदी जी दे नहीं सकते। मोदी जी तो कल ही दावा ठोक रहे थे कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके लिए इनके घटक दल तैयार नहीं होंगे। अभी आप देखना, हो सकता है एनडीए की जो बैठक खत्म हो, होते होते ये भी खबर आ जाए कि एक दूसरे के सर फूटने तैयार हो गए, क्योंकि नीतीश जी ने क्लियर बोल दिया है कि मैं मंत्रिमंडल में तब आऊंगा जब गडकरी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता। और दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू ने भी ये बात कह दी है कि अमित शाह इनको मंत्रिमंडल में नहीं चाहिए। तो आप समझ लो कि ये जो जोगा भोगा की जो ये जोड़ी है, इस जोड़ी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि जो एनडीए की जो खिचड़ी पक रही है, ये खिचड़ी पक भी पाएगी कि अधकचरी रह जाएगी। तो इंडिया की लग रही है। नहीं साहब, इंडिया गठबंधन देखी, स्वाभाविक गठबंधन था, कोई दबाव नहीं था। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सरकारी एजेंसी, कोई दबाव नहीं था कि आप हमारे साथ आओ नहीं तो ईडी के छापे पड़ेंगे। जितने भी दल आशावान होना चाहिए राजनीति में, तो आशावान होना चाहिए। अगर आप आशान्वित नहीं होंगे तो जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपमान होगा। इंडिया सरकार बना लेगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे। मैं कल से आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन शाम तक आपको बहुत अच्छी खबर देने जा रहा है। और लोकतंत्र में ये लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता समझ गई है कि ये संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला दबाने की साजिश कर रहे हैं, और जनता इस काम को होने नहीं देगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।